नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं सभी सीलिंग फैनों का शाफ्ट हमें कैसे चेंज करना चाहिए। इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, सभी सीलिंग फैनों के शाफ्ट सेम नहीं होते हैं और सेम फिटिंग करने का तरीका नहीं होता है। कंपनी फैनों को शाफ्ट अलग मॉडल का आता है, लोकल फैनों को शाफ्ट अलग मॉडल का आता है। इस वीडियो में वीडियो की जानकारी देने वाला हूँ। पूरा वीडियो अच्छे से देखो, पसंद आया तो एक लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, ये लोकल सीलिंग फैन है। दोस्तों, ये हमें शाफ्ट चेंज करने के लिए इधर ऊपर से टाप करें तो ये शाफ्ट इधर बाहर आ जाता है। दोस्तों, कंपनी फैन लिए तो हमें इधर नीचे से प्रेस करके ऊपर से शाफ्ट निकालना चाहिए। मेरे पास कंपनी का कोर स्टॉक नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कंपनी का शाफ्ट कैसा, कंपनी फैनों का शाफ्ट कैसा करना बोल के दिखलाता हूँ। अब फिलहाल में मैं लोकल फैनों का शाफ्ट कैसे चेंज करना इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये हमें शाफ्ट काटने के लिए हमारे को ऐसा एक स्टैंड चाहिए। आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोसा तो भी अच्छा, इसके सपोर्ट का एक पाइप रखो। मेरे पास ये भी है और हाइड्रोलिक मशीन भी है। ये हाइड्रोलिक मशीन है प्रेसिंग करने के लिए। आपको मैं हाइड्रोलिक मशीन में नहीं दिखला रहा हूँ, खाली ये स्टैंड में काट के दिखलाता हूँ। दोस्तों, ये हमें शाफ्ट चेंज करने के लिए ऐसा एक शाफ्ट ये पाइप लेना चाहिए। लेने के बाद हमें इसको ऐसा, दोस्तों हमें सबसे पहले आपका वाइंडिंग का पेपर झड़ रहा है क्या देख लेना। आपका पेपर झड़ रहा है तो ये मार के शाफ्ट मत निकालो। अब लेथ के शॉप के में जाके इसको प्रेसिंग करा के बाहर निकालो। आपका पेपर झड़ रहा है तो प्रेसिंग करके निकालो शाफ्ट। आपका पेपर नहीं झड़ रहा है तो ये ट्राई करो, नहीं तो आपका वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। दोस्तों, ये शाफ्ट काटने के लिए हमें इसको क्लीन से धीरे से ऐसा रख के, दोस्तों ये पुराना कोर है, मैं आपको दिखला रहा हूँ, हथौड़ी लेके इधर मारना पड़ेगा। इधर देखो, मारता हूँ, उधर नीचे जाता है ये। देखो दोस्तों, इधर नीचे जा रहा है। दोस्तों, ये पुराना वाइंडिंग है, मैं आपको दिखलाने के लिए बना रहा हूँ वीडियो, आप धीरे से कर लेना। पेपर झड़ रहा है तो मत ट्राई करो। अब लेथ के पास जाके प्रेसिंग करा के शाफ्ट निकाल लो। ये वायरम भी शाफ्ट में से बाहर निकाल के करना पड़ेगा। दोस्तों, अब इसका शाफ्ट बाहर निकाल चुका हूँ। दोस्तों, ये शाफ्ट भी अच्छा है, मैं आपको वीडियो दिखलाने के लिए बनाया हूँ। दोस्तों, ये पुराना शाफ्ट है, ये मार्केट में हमारे को लोकल फैन वाला 40 से 50 रुपए में मिल जाता है होलसेल में। रिटेल में लिए तो 80 रुपये 120 रुपये में मिल जाता है। दोस्तों, ये लोकल फैनों का शाफ्ट है। कंपनी फैनों का शाफ्ट मेरे दूसरा टाइप में आता है, मैं आपको स्टॉक स्टैम्प दिखलाता हूँ। दोस्तों, ये शाफ्ट सभी फैनों को सेम नहीं रहता है, चेंज रहता है। मेरे पास 3-4 मॉडल हैं, आपको दिखलाता हूँ। देखो दोस्तों, ये सभी सेम नहीं रहती हैं, चेंज रहती हैं। देखो, ये सभी आप शाफ्ट लेने जा रहे हैं तो ये देखो, ये साइज़ देख के लेके आना। ये मेन साइज़ रहता है, ये साइज़ और नीचे का साइज़ आप सैंपल लेके जाके चेक करके लेके आना। देखो दोस्तों, ये ऐसा रहता है। ये देखो, ये दो भी सेम है, लेंथ है तो चलेगा। ये मेन सेटिंग मेन, ये देखो, ये मेन, ये कोर इधर बढ़ता, बेरिंग इधर बढ़ती, ये चलेगा काम। ये दो भी सेम रहती हैं, आपको लेंथ है तो काम चलेगा। ये पोजीशन है ना, ये सेम रहना चाहिए। आप दूसरे ये लेंथ है बोले तो फैन को नहीं बैठेगा, प्रॉब्लम आ सकता है। उसके लिए दोस्तों, क्लीन सीट देख के पुराना सैंपल लेके जाके सेम देख के लेके आना। दोस्तों, अब मैं इसको नया डालने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये हमें ये वायर ही देखो कट कर चुका हूँ। आप इसके वायर के अपोजिट ये होल आना चाहिए, ऐसा देखो, ये होल इसके वायर के अपोजिट आना चाहिए। दोस्तों, ऐसा होल अपोजिट आए के बाद ऐसा उल्टा घुमा के इधर हैमर लेको मत मारो। इधर बेरिंग सेटिंग भी बेरिंग नहीं बैठेगी। इसके लिए एक ऐसा बुश लेके इधर रख के हमें ऐसा मारना पड़ेगा। दोस्तों मारे के बाद इधर देखो, पूरा इधर फिक्स हो चुका है, ऐसा फिक्स होना है ये पॉइंट। ठीक है दोस्तों, शाफ्ट चेंज करने का ऐसा तरीका रहता है। क्या तो डाउट है तो कमेंट करो, उसका आंसर देता हूँ।
ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, इस इलेक्ट्रिकल वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।